हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। माय नेम इज ऋतिक एंड यू गाइस आर वाचिंग माय चैनल रविश वर्ल्ड। और आज का ये वीडियो होने जा रहा है थोड़ा बहुत अलग सा। मैं अभी रास्ते में हूँ और एक्सपीरियंस करने जा रही हूँ इंडियन स्ट्रीट फूड, यानी कि जंक फूड जिसको बोलता है। तो मैं अभी मेट्रो से बाहर निकला और जाने वाली हूँ एक अच्छा जगह तलाश करके उस जगह में, ठीक है। तो जुड़े रहो मेरे साथ मेरा ये वाला वीडियो और देखते रहो हमारा ये वाला वीडियो पूरा। अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट्स करो, दोस्त लोगों के साथ शेयर करो एंड सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाओ, बी ए मेंबर ऑन माय यूट्यूब चैनल। ओके, तो मैं अभी देखो रेस्टोरेंट के ठीक सामने हूँ और बिल्कुल मेरा सामने ये जो रेस्टोरेंट दिख रहा है इसका नाम देखो, इसका नाम है पानीपुरी रेस्टोरेंट, जिसमें चाट से शुरू करके, भेलपुरी से शुरू करके, गोलगप्पे से शुरू करके, समोसा से शुरू करके, मतलब कुछ भी ऐसा टाइप का आइटम, मोमो फोमो सब कुछ इधर है, ठीक है। तो देखो मैं अभी आ गया और अंदर आते ही दिखाई दिया एक प्यारा सा एम्बियंस और अच्छा खासा सेटअप, ठीक। और आइए अभी जान लेते हैं रिसेप्शन से कि इधर क्या क्या मिलता है और बाकी सब कुछ। अब इधर से और इधर क्या क्या मिलता है, और ये जो है मतलब खोलने का टाइम क्या है, ओपनिंग टाइम 12 to 12 है। हर दिन खुला है ना। तो ये वाला भैया बहुत अच्छे से समझाया और सब कुछ जानने के बाद अभी देखो पानी पूरी में फोकस करो, कितना प्यारा लग रहा है पानी पूरी देखने को और साथ में भुजिया भी, ठीक है। तो ये रहा रेस्टोरेंट, इधर एक समोसा का ट्रे है और अगर नजर इधर हटाएगा तो ये है रिसेप्शन डेस्क, इधर से थोड़ा छोटा वाला एक ठेला और कैमरा थोड़ा बहुत इधर घुमाएगा तो इन लोग का किचन। अभी हम जाएगा ऊपर सीढ़ी पकड़ के और ऊपर जाके दिखाएगा ऊपर का नजारा कैसा है। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए। अभी देखिए हम आ गया ऊपर और ऊपर का नजारा थोड़ा बहुत ऐसा है, बहुत प्यारा टेबल, एकदम शांत एम्बियंस और सामने ये ठेला जैसा कुछ लगा के रखा है। साथ में ये देखो ये बेबी सीटर एक चेयर है, मतलब आपके साथ अगर कोई बच्चा आएगा तो आराम से इसमें बैठा के काम आप खा सकते हो, ठीक है। और अभी देखो इधर का नजारा सच में बहुत प्यारा है, दीवार का कलर कॉम्बिनेशन से शुरू करके ऊपर ये जो सीलिंग है, सीलिंग भी बहुत प्यारा था, आई मीन थोड़ा यूनिक टाइप का था। तो सब मिला के रेस्टोरेंट है बहुत अच्छा सा, बहुत प्यारा सा। आप लोग आइए, दोस्त लोग के साथ आइए, फैमिली लेके आइए और ट्रेडिशनल आई मीन इंडियन जो सब स्नैक्स खाना है ना, वो स्ट्रीट फूड मोमोज, भेलपूरी, चाट मसाला सब कुछ इधर मिलता है, आके टेस्ट कीजिए। अभी ये देखिए इधर का मेनू कार्ड, ठीक है। मेनू कार्ड है बहुत बड़ा, आई मीन मेनू कार्ड छोटा है लेकिन इसके अंदर आइटम भर भर के रखा है, ठीक है। मोमोज से शुरू करके, भेलपूरी से शुरू करके, पापड़ी चाट से शुरू करके, चाट मसाला, पानी पूरी, ऐसा बहुत कुछ का कॉम्बिनेशन मेनू में है। तो मेनू का फोटोज आप लोग को गूगल मैप में भी मिल जाएगा। और साथ में देखो हमारा ये वाला जो वीडियो चल रहा है ये पॉज करके भी आप देख सकते हो मेनू में क्या क्या है। तो फाइनल ये रहा मेनू, तो रखते हैं मेनू के साइड में। और देखिए अभी 1 साल 2 महीने बाद फाइनली हमको इंट्रोड्यूस हुआ गोलगप्पे से, ठीक है, जो खाने के लिए मैं ना बहुत एक्साइटेड हूँ। तो चलिए टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसे लगता है खाने को। तो कंसंट्रेट अभी गोलगप्पे में, साथ में देखिए दो चटनी टाइप्स का कुछ दिया और मुंह में देते हुए एकदम याद आ गया कोलकाता जैसे स्ट्रीट फूड का, ठीक है। गोलगप्पा बहुत प्यारा था, हम लोग बंगाली में इसको फुचका बोलते हैं। और अभी देखो इसमें चटनी था एक, तो वो चटनी डाल के हम खाया, ये वाला कॉम्बिनेशन भी ऑसम था, ठीक है। अभी साथ में ये पानी भी दे दिया था, ये पानी है, खट्टा पानी है। तो ये देके, चटनी देके, दोनों एक साथ देके ये वाला गोलगप्पा ट्राई किया तो ये भी बहुत सही। गोलगप्पा की बात देखिए, और एक दूसरा धमाका जो है फ्राइड चिकन मोमो, ठीक है। ये भी खाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था और टेस्ट करने के बाद सच में बहुत प्यारा लगा, खाने में बहुत सही था, ठीक है, सब कुछ एकदम ठीक ठाक था। और ये जो चटनी था इसके साथ दिया था ये भी बिल्कुल कोलकाता जैसे था, ठीक है। तो देखो फर्स्ट इम्प्रेशन में ऐसे करके उठाया तो मेरा आंख ना गोल गोल हो गया, ठीक है।
तो अभी क्या है, अभी चम्मच थोड़ा साफ कर लेना पड़ेगा। तो ये सब देख के इतना एक्साइटेड हो गया, तो खाते खाते क्या बकते गया, एकदम बकवास था, जिसलिए मैं ऑडियो इजेक्ट करके नया ऑडियो इनपुट किया इधर। ठीक है, तो एक चटनी डाल के मोमो मैं फाइनली मुंह में दिया, जो कि सच में अच्छा लगा मेरे को बहुत खाने को। आप लोग भी कतर में हो और मोमो को मिस कर रहे हो तो इधर आके जरूर ट्राई करो। ठीक है, मेरा तरफ से तो रेटिंग 5/5 दे देगा, क्योंकि खाने का क्वालिटी सच में बहुत अच्छा था और प्राइस भी जो था ना, प्राइस भी थोड़ा बहुत सही था। ठीक है, और चटनी डाल के मोमो खाने के बाद सच में मतलब एक साल 2-3 महीना सब कुछ मिस करने के बाद फाइनली हमको जब ये सब मिला एक साथ, तो सच में बहुत ये था। ठीक है, एक्साइटेड था। और ये देखो, खाने के बाद हमारा खाना अभी ख़त्म हो गया और रेस्टोरेंट का नज़ारा फिर सोचा और एक बार आप लोगों को घुमा के दिखा दे। ठीक है, तो ऐसा चेयर सेटअप से शुरू करके अंदर का माहौल ऐसा लेके हमारा खाना हुआ ख़त्म। और अभी हम सीढ़ी से जा रहे हैं नीचे। बिल पहले ही दे दिया था, तो बिल देने को बाद में कोई झंझट नहीं था। तो फिर मिलेगा दोबारा और एक नया वीडियो लेके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।